मतगणना से पहले बीजेपी ने कल अहम बैठक रखी और ये बैठक उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने बुलवाई है। बैठक में राज्य भर के सभी बीजेपी प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मंत्री, सांसद और समन्वयक शिरकत करेंगे। बैठक प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में होगी, जहां प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में चुनाव और मतदान से संबंधित फीडबैक लिए जाएंगे और आगे की मतगणना की बारीकियों के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही सरकार के बनाने की तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। नहीं, 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, विधानसभाओं के प्रभारी और विधानसभाओं के प्रत्याशी, उन सबकी एक बैठक है। और भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का यह नियमित क्रम चलता रहता है, अब चूंकि मतदान हो चुका है। और हमारे साथ लगातार रोहित सोनी जुड़े हुए हैं। रोहित, अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जो बीजेपी की अगर हम बात करें तो लगातार उनके बैठकों का दौर जारी रहता पहले से, शुरू से अगर बात करें तो चुनाव से पहले भी लगातार तमाम बैठकें की गई थी, रणनीतियां बनाई गई थी किस तरह से जो है बहुमत हासिल करना है। ऐसे में अब 10 मार्च को मतगणना होना, तो उससे पहले की मतगणना के दौरान क्या कुछ तैयारियां की जानी है, सरकार का गठन होना है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है कि सरकार पे वह काबिज हो रही है। लेकिन एक बड़ी चुनौती यही रहती है कि अगर सरकार पे काबिज होती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री के अलावा किसको क्या दायित्व दिया जाना है, तमाम रणनीतियों पर लगातार चर्चा भी किया जा रहा है। इसके तहत मुख्य रूप से प्लान बी पर भी काम किया जाना है। इन सब को लेकर के भी जो है कल बीजेपी की बैठक आउट की गई है देहरादून प्रदेश कार्यालय में, जहां पर तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, जिस पर पूरी तरह से मंथन करेंगे कि मतगणना के दौरान क्या कुछ व्यवस्थाएं हमारे पास होनी चाहिए, जो जीत होगी किस तरीके से होगी और प्लान बी पे किस तरह से काम करना है, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा किया जाना है। मुख्य रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मतगणना एक काफी अहम है, क्योंकि उसी के बाद नतीजे सामने आएंगे, नतीजे के बाद सरकार बीजेपी बना रही है फिर कांग्रेस बना रही है, इसकी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ऐसे में बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, तमाम नेताओं को उसमें शामिल कर लिया गया, कौन कौन से नेता को क्या क्या जिम्मेदारी दी जानी, इस पर भी लगातार मंथन किया जाएगा। और इस बैठक के बाद से ही जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, जिलों के हिसाब से या फिर ब्लॉक के स्तर पर, विधानसभा सीट के हिसाब से, तो इन सब चीजों को लेकर के लगातार प्याजबाजी लगाई जा रही है। लेकिन अब कल बैठक होगी, कल बैठक होने के बाद से तमाम जो निष्कर्ष निकल के सामने आएंगे कि आखिर बीजेपी किस रणनीति के तहत काम करना चाह रही है। लेकिन फिलहाल ये बैठक काफी महत्वपूर्ण इसी वजह से भी है, क्योंकि अगर कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कांग्रेस ने भी तमाम नेताओं के ड्यूटी लगा दी है, उन्होंने करीब 11 से 12